बीजेपी नेता अनिला जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनिला जी, बहुत अभी खुशी होगी, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, यूपी में भी 4 सीटों पर आगे चल रही है, तो क्या दिखाई दे रहा है? शुरुआत तो अच्छी, अंजाम क्या होगा? अंजाम यही होगा जो पूरी जनता जनार्दन ने तय किया हुआ है, और जनता जनार्दन ने यह तय किया हुआ है कि दोबारा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको देश में स्टेबिलिटी, स्पीड, सक्सेस सब कुछ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो वो एक माहौल केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और आगे भी वो दे सकते हैं। तो इस बार जो जनादेश होगा केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नाम का होगा। अब भारतवर्ष फिर और तेज गति से आगे विकास के राह। लेकिन विपक्ष जो है लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है, अब आप क्या देखते हैं, क्या इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? इनमें से बहुत सारे नेताओं को तो वीवीपैट का फुल फॉर्म भी नहीं आता होगा। ईवीएम पे जो दोष लगाते हैं वो पहले ये बताएं कि जब वो जीतते हैं तब ईवीएम का बहाना क्यों नहीं ढूंढते हैं। तो जैसे 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, रिजाइन कर दी, दोबारा चुनाव होंगे। पर देखिए, ऐसा है कि बहुत आसान होता है दोष देना, असलियत ये होती है कि आप जो है जनादेश पर विश्वास करिए। ज़मीन बोलती है, ईवीएम तो केवल वोट डलवाती है, ज़मीन बोलती है कि कौन सा नेता चुनकर आएगा, और ज़मीन पे केवल और केवल एक नाम रहा है नरेंद्र मोदी जी का। इसीलिए वो सब घबराए हुए हैं और वो दोष दे रहे हैं ईवीएम को। बिहार में हिंसा की भी बात लगातार होती रही, बंदूकें दिखते रही, तो उस पर आपकी? बिहार से भी कहीं ज़्यादा बंगाल में हुआ है। ममता बनर्जी ने एक माहौल जो वहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है, बनाकर रखा हुआ है, लोगों को दहशत में रहने में मजबूर कर रही हैं। तो बिहार में तो मुझको कहीं पर भी किसी प्रकार की हिंसा नज़र नहीं आई है, पर वेस्ट बंगाल में हाँ, एक भी फेज ऐसा नहीं गया है जहाँ पे हमें मार पीट वायलेंस की घटना नहीं दिखाई दी। बदलाव का समय आ चुका है, देश जो है अब ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करने वाला है जो हिंसा में विश्वास रखते हैं। अभी लगभग 34-35-40 तक आंकड़ा है, कहाँ तक दिखता है आपको, कहाँ तक जाएगा? जितना हमारे नेतृत्व ने कहा है उतना ही, बीजेपी जो है 300 पार जाने वाली है। 300 पार जाने वाली है। तो ये थी बीजेपी नेता अनिला सिंह, जो साफ तौर पर आश्वस्त है कि आंकड़ा 300 के पार जाएगा। अपने साथी रोहित कुमार के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।